देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार हैं, मैं आपसे भी होशियार हूँ। अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? अब चलिए रे, झूठ मत बोलिएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार? नहीं नहीं, नीतीश कुमार तो अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। वो जिस तरह से 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही तो बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी को साथ लिए तो ये उम्मीद बिल्कुल खत्म थी, और अब जब बीजेपी के साथ नहीं है, लालू की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, उसके बाद भी अपने पीएम बनने की उम्मीद खो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कतरा रहे हो कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, जबकि साल 2014 में ही वो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होना चाहते थे। बीजेपी ने उनका नाम आगे नहीं किया था तो उन्होंने बीजेपी से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। वहीं अब जब उनकी साथी पार्टी के लोग ही उन्हें इस रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो नीतीश कुमार कन्नी काटते दिख रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बता रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका बस इतनी भर है कि विपक्ष को एकजुट कर सके। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रेस में होना मनगढ़ंत और मीडिया की उपज है। हालांकि ललन सिंह से इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी कल तक तो नीतीश को पीएम मटेरियल बताने में यही लोग लगे हुए थे। तो क्या अब जमीनी हकीकत पता चल गई? हालांकि इसका जवाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जरूर दे दिया है। कह दिया है, सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि सपना कभी अपना नहीं होता। नीतीश कुमार चुनाव में जाने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कराते हैं। शुक्रवार को ग्राउंड रिपोर्ट सौंपी गई होगी। इसमें रिपोर्ट तैयार करने वाले ने लिखा होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा होगा, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से भी ज्यादा जनता का समर्थन प्राप्त होगा। 400 सीटों के साथ केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। शायद इसीलिए नीतीश कुमार खुद को पीएम उम्मीदवार के रूप में खारिज कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का ऐसा मानना है कि क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट नीतीश के फेवर में नहीं है, इसलिए नीतीश अब खुद ही इस उम्मीदवारी से खुद को ही खारिज कर रहे हैं। हालांकि विजय कुमार सिन्हा यही नहीं रुके, फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर एक के बाद एक कई तंज भी कसने शुरू किए। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जो उनकी पीएम उम्मीदवारी को लेकर पोस्टर लगाए थे, उस पर भी विजय कुमार ने तंज कसा। कहा, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही नहीं और वो कह रहे हैं कि इस विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं, तब अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने पोस्टर क्यों लगवाए? 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला था। साल 2013 में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए बीजेपी से नाता तोड़ा था। लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी, तब आंखें खुली थी। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि 2024 में 2014 से भी बदतर हालत होने वाली है, इसलिए अब कन्नी काट रहे हैं। अब चाहे ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर नीतीश अपनी उम्मीदवारी को खारिज कर रहे हो या फिर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो, क्योंकि नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर जो बिहार में खेला किया है, उससे उनके विधायकों का भी तो मोह भंग हुआ है। तभी तो बिहार में सत्ताधारी जेडीयू को मणिपुर में तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जब बीजेपी से अच्छे रिश्ते थे। इन 38 सीटों में से जेडीयू को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें से 5 तो अब बीजेपी के हो गए। इसी तरह से नीतीश को झटके पर झटके लगे जा रहे हैं, तभी वो अब पीएम उम्मीदवारी के लिए शायद इनकार कर रहे हैं। देखा था ना कैसे केसीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नीतीश कुमार बैठे थे, लेकिन पीएम के सवाल पर उठकर बार बार खड़े हो जा रहे थे। केसीआर कभी हाथ पकड़कर कभी कुर्ता पकड़कर बैठा रहे थे, लेकिन पीएम के सवाल पर तो जैसे नीतीश कुमार कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे थे। हालांकि बोला तो केसीआर ने भी कुछ नहीं, नीतीश का इशारों में तक नाम नहीं लिया, जिसके बाद से ही नीतीश की उम्मीदवारी से इनकार करने की खबरें मीडिया जगत में फैल गई।
वैसे आपको क्या लगता है, क्यों नीतीश कुमार अब इस पद को नहीं अपनाना चाह रहे? क्या वो अभी पीएम पद पर विराजमान होने के लिए खुद को सक्षम नहीं मान रहे, या फिर कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है? क्या वजह है जो अब नीतीश कुमार पीएम पद की रेस से खुद को बाहर बताने लगे? इसकी वजह क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अरे सब सवाल काहे के लिए? देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार। अब चलिए, मैं कहूँगा तो विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? अब चलिए रे, झूठ मूठ नहीं आपका मन। देखिए, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जो जेडीयू के एमएलए थे उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, और कल मणिपुर में 5 जो उनके एमएलए थे वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो एक बचे मुझे लगता है वो भी आज न कल कर ही लेंगे। तो अब अरुणाचल जेडीयू मुक्त हो गया है और मणिपुर भी जेडीयू मुक्त हो गया है। अब बहुत जल्द बिहार में भी लालू यादव जनता दल यू को तोड़ देंगे और बिहार को भी जनता दल यू से मुक्त कर देंगे। देखिए, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ललन जी कि पैसा देकर खरीदा गया, तो आपके विधायक इतने कमज़ोर हैं क्या कि पैसा देकर खरीदे गए? आपने कैसे लोगों को टिकट दिया? लेकिन ये सब देखिए बेबुनियाद गलत है। हम क्यों खरीदेंगे पैसा देकर? लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार, वो चाहते थे कि जनता दल यू एनडीए में रहे, और आपने एनडीए से नाता तोड़ दिया, तो स्वाभाविक था कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी वहाँ पर है नहीं, तो उनके लिए बहुत नेचुरल था कि वो बीजेपी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो आपने बिहार का जो गठबंधन तोड़ा, ये उसका परिणाम है। और आपका जो सपना था नेशनल पार्टी बनने का, तो 3 राज्यों में आप स्टेट पार्टी थे, आपके लिए बिहार में रह गए, 2 राज्यों में स्टेट पार्टी का सपना ख़त्म हो गया। तब तो जनता दल यू नेशनल पार्टी बन ही नहीं सकती है। तो आपने जो बिहार में गठबंधन तोड़ा, उसका रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया है कि जो अन्य राज्यों में जो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, एमएलए सब, वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए से बाहर जाएं, वो एनडीए में रहना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने और बीजेपी को वहाँ ज्वाइन किया है। सर, उपेंद्र कुशवाहा कैबिनेट ने हमेशा यही काम किया है तोड़ने वाला, और अभी भी उन्होंने यही किया है, और हमें पता है कि इससे ज़्यादा उनके अटैक्स बढ़ने वाले हैं बीजेपी वालों के, लेकिन हम लोग तैयार हैं कुछ फेस करने के लिए। मैंने कहा कि भाई बिहार के बारे में वो कहते थे कि बीजेपी तोड़ना चाह रही है, तो एक भी तो कोई प्रमाण देना कि बिहार में जनता दल यू को कौन तोड़ रहा था, किसने तोड़ने का प्रयास किया, कौन गया था किसके पास। तो केवल बयानबाजी करना, उसने बीजेपी क्यों तोड़ेगी किसी पार्टी को, हमको क्या जरूरत थी, चाहे अरुणाचल हो या मणिपुर हो। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं? आप में ताकत नहीं उनको रोकने की। आपकी पूरी की पूरी पार्टी, सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब कि पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल यू के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। सर, आखिरी सवाल, कल जो उसमें पोस्टर बदला गया जिसमें लिखा था अर्लियर स्टेट नाउ नेशन, वो जो है पीएम कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार को खड़ा करना जो है पोस्टर में दिखाया जा रहा है, कि किस तरह से जो जेडीयू की जो आइडियोलॉजी है, जो बिहार गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, पूरे नेशन में अप्लाई करने की जरूरत है? देखिए, पोस्टर लगाने से और होर्डिंग लगाने से ही तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। वो तो 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया खर्चा कीजिए, होर्डिंग लग जाएगा। किसी कवि को 10,000 रुपया दीजिए, तुकबंदी करके आपके पक्ष में कविता बना देंगे, तो इससे कोई थोड़ी बन जाता है प्रधानमंत्री। और देखिए, प्रधानमंत्री तो वही ना बनेगा जिसके पास 250 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होगा। अगर उसकी पार्टी के पास 10 MP होंगे, 5 MP होंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और बनेगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो देखिए, केवल नीतीश जी को लगता है कि मैं चर्चा में रहूं, उनकी और कोई मंशा नहीं है। उनको भी मालूम है कि वो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, उम्मीदवार भी नहीं बन सकते। लेकिन गठबंधन तोड़ दिया तो आज जो नेशनल चर्चा में आ गए, अखबार छप रहे हैं, पहले उनका छपता नहीं था, मीडिया में आ रहा है, चर्चा हो रही है,
तो केवल नेशनल मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा है। उनको भी मालूम है कि इस जन्म में तो कम से कम वो पीएम नहीं बन सकते।